नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन सिंह। स्वागत है सुमन किचन में आप सभी का। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आइसक्रीम कुल्फ़ी की रेसिपी। इसे खाना हम जितना पसंद करते हैं उतना ही इसे बनाना आसान है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊँगी घर में पड़े हुए चीज़ों से आइसक्रीम बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक पतीली रखेंगे, उसके अंदर हम 2 गिलास दूध ऐड करेंगे और इसे उबाल लेंगे। ग्राम्स में देखें तो हमने लिया है 400 ग्राम दूध। दूध उबल रहा है तब तक हम लेंगे एक बाउल। बाउल के अंदर हम डालेंगे चावल का आटा 3 चम्मच। जी हाँ दोस्तों, हम चावल के आटा से आज आइसक्रीम बनाना बताएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 चम्मच हमने ले लिया है चावल का आटा। इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे दूध। रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है हमने, इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल बिल्कुल रेडी है, तो चलिए देख लेते हैं दूध को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध भी बिल्कुल उबल चुका है। तो इसे अच्छा से उबालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो चावल का आटा हमने घोल के रखा हुआ है, उसे इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद हमें चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, यानी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पकने लग गया है, गाढ़ा होने लग गया है। इसे इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। तो ये 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। यहाँ पे चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद हो। आइसक्रीम थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 1/2 कप हम चीनी डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें। अब यहाँ पे चीनी डालने के बाद हम 2 मिनट तक और पका लेंगे, उसके बाद गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे। तो घोल ठंडा हो चुका है, उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी जार, उसके अंदर ये घोल को डालकर हम अच्छा से घुमा लेंगे मिक्सी में। घुमाने के बाद एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर इस घोल को डाल देंगे और फ्रिज में इसे 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो इसे कवर करके हमें रखना है। चलिए 2 घंटा हो गया है, उसके बाद हमने फ्रिज से इसे निकाल लिया है। फिर मिक्सी जार में डालकर हमें इसे घुमा लेना है। तो आप देख सकते हैं घुमाने के बाद एक बाउल में हमने इसे डाल दिया है और इसमें हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसे चम्मच से चलाने के बाद हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस। आपके पास कोई फ्लेवर का हो एसेंस तो आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद से हमने लिया है कुछ गिलास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी का और पानी वाला प्लास्टिक का गिलास लिया है। आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो वो भी ले सकते हैं, या स्टील का गिलास हो, कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं। उसमें आप इसे फिल कर दीजिए और आप यहाँ पे फॉइल पेपर से इसे कवर कर दीजिए। फॉइल पेपर आपके पास नहीं है तो किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में इसे रख करके ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रख सकते हैं। तो मैंने इसे सारे को फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। चलिए यहाँ पे स्टिक लगा लेते हैं। आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे सब में, थोड़ा सा चाकू से कट करेंगे और इस तरीके से सब में लगा के हम 8 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख लेंगे। तो 8 घंटे बाद हमने निकाल लिया है, चलिए इसे रिमोल्ड करके दिखाते हैं। तो ये हाथों से थोड़ा सा हम इसे रगड़ेंगे ताकि इसमें गर्माहट आ जाए और आसानी से निकल जाए आइसक्रीम। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से निकल गया। इसी तरीके से सारे आइसक्रीम को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे आप कोई सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें